Hello there, this is fourth lecture of biology chapter heredity and evolution. इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीशिएशन के बारे में, तो फिर आइए लेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, थर्ड लेक्चर में जो हमने बीटल्स वाले एग्जाम्पल के थ्रू एवोल्यूशन को स्टडी किया था, वो एक माइक्रो एवोल्यूशन था। उसमें कोई भी चेंज बहुत बड़ा चेंज नहीं था। हम एक प्रॉपर एवोल्यूशन उसे कहेंगे जब एक नई स्पीशीज फॉर्म होगी, जब दो पॉपुलेशंस होंगी जो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, तब उन पॉपुलेशंस को हम इंडिपेंडेंट स्पीशीज कहेंगे और वो होगा एक प्रॉपर फुल एवोल्यूशन। सर, क्या आप उसी बीटल्स वाले एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल। सोचिए कि वो जो बीटल्स हैं और जो बुशेस हैं, वो एक माउंटेन एरिया पर हैं। अब वहां पर उनकी पॉपुलेशन अब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। उसी एरिया में मेल और फीमेल बीटल्स मिलते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और सब पॉपुलेशंस फॉर्म करते हैं। अब एक क्रो आता है और वो कुछ बीटल्स को पिकअप करता है और बिना उनको खाए रिवर के दूसरी ओर उनको छोड़ देता है। अब बीटल्स न्यू पॉपुलेशन के साथ रिप्रोड्यूस करेंगी, अपनी जीन्स को उनमें ट्रांसफर करेंगी। सर, इससे तो बीटल्स की दो पॉपुलेशंस बन गई हैं और दोनों एक दूसरे से आइसोलेट भी हो चुकी हैं। एग्जैक्टली। अब बहुत सारी जेनरेशंस तक चेंजेस की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन और स्टार्वेशन की वजह से दोनों पॉपुलेशंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हो जाएंगी। वो इतनी ज्यादा अलग हो जाएंगी कि उनका डीएनए चेंज हो चुका होगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी डिफरेंट होंगे और वो दोनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। तो अब हम कह सकते हैं कि बीटल्स की एक न्यू पॉपुलेशन फॉर्म हो गई है। तो इसे हम कहेंगे एक प्रॉपर एवोल्यूशन और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पीशिएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब आप लोग बताइए कि स्पीशिएशन के लिए सबसे बड़ा जियोग्राफिकल फैक्टर क्या है? सोचिए और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी।